दोस्तों देख सकते हो कितना तेज़ पानी चढ़ा हुआ है, और इस पानी जब आएगा तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों अभी इधर बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए मैं फेरी पे निकला हूँ। दोस्तों सारा कपड़ा अच्छे से पैक कर लिया हूँ, अगर भीगेगा तो भाई इसके अंदर पन्नी रखा हूँ, तो पन्नी रहेगा तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, किसी के भी घर पर डालकर ओढ़ा सकता हूँ। तो देख सकते हो पीछे से आगे से अच्छे से प्लाजो कुर्ती लेगी जो भी है अंदर बांध चुका हूँ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट दोस्तों, तो चलते। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों अभी हम खाना पीना खा के रेडी हो गए थे, सुबह में हम गए थे थोड़ा सा काम पे, और जो साड़ी मेरे पास फेरी मारने वाला नहीं था तो उसको चले गए थे लेने। तो अभी आया हूँ, जस्ट खाना वाना खाया, नहाया आया हूँ। तो आज मार्केट कहीं नहीं है क्योंकि आज वीरवार है, तो आज मैडम जी के नंद के यहाँ थोड़ा सा प्रोग्राम है दोस्तों, क्योंकि हमारी बहन है तो उनको एक ही लड़की है, और उनके घर पे थोड़ा सा जो मतलब खवाई पियाई होता है तो वही था। तो आज 5-6 साल की हो गई होगी, 3 साल की होगी, तो उसको बाहर छुलाया गया था। तो हमारे बहनों जो तो अभी धूप खुल गया देख सकते हो दोस्तों, और अभी सूख भी गया आज हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो दोस्तों रात को आया था नौते से, तो दोस्तों आज दोस्तों मार्केट नहीं जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ चढ़ा हुआ है, और जहाँ पर मैं भाई जा गया था पिछली बार मेरा नुकसान हुआ था वहीं की बाज़ार है, तो वहाँ पानी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आज फेरी पे जा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जिस दिन ज़्यादा बारिश का समय देखेंगे उस दिन फेरी पे निकल जाएंगे। तो अभी कपड़ा वपड़ा जितना भी चलता हूँ आपको दिखाता हूँ, लोड कर लिया हूँ गाड़ी पे, क्योंकि भाई आज फेरी पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार जाऊँगा तो नुकसान हो सकता है क्योंकि पानी बरसता तो निकलता नहीं है। तो दोस्तों फाइनली अभी घर से निकल पड़ा हूँ, और भाई अभी देख तो कपड़ा अच्छे से लोड कर लिया हूँ, और भाई आज मौसम थोड़ा ठंडा है क्योंकि आज के दिन मैं बाज़ार जाता हूँ मुसाफिर खाना बाज़ार, तो मुसाफिर खाना बाज़ार नहीं जा पाया क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब हम जहाँ पर दुकान लगाते हैं और हमारे दुकान के सामने से पानी बहुत ज़्यादा बहता है, ढाल है और निकल भी नहीं पाता जो शाम के समय में, तो गाड़ी लेके पिछली बार गिर गया था तो काफ़ी नुकसान हो गया था। तो इसलिए दोस्तों मैं निकला नहीं आज मार्केट के लिए, तो इसलिए फेरी पर निकला हूँ, तो अच्छे से सामान वामान सारा पैक करके बाहर निकल पड़ा हूँ क्योंकि, तो अभी मैं मार्केट नहीं जाऊँगा आज। और आज आ गई आपकी गली आपके मोहल्ले में, लेकर आ गई फैंसी डिजाइन वाले कपड़े। पानी चढ़ा हुआ है और इस पानी तो आइए बहन जी, आइए माता जी, जरा बढ़कर आइए आप हमारी गाड़ी के पास में, और ले जाइए लेगी कुर्ती और टॉप स्टॉल और लोवर। पीछे से आगे से अच्छे से हर कलर हर डिजाइन वाले जी हाँ फैंसी कपड़े मिलेंगे आपके लिए। जी हाँ, दौड़कर आइए, भाग कर आइए, दाएं बाएं देखकर आइए और सीधे चले आइए आप हमारी गाड़ी के पास में, और ले जाइए स्टॉल लोवर चड्डा और फिराक। और सोचिंग हाँ सोचिंग ठीक।
साड़ी के हैं मन 350 के 400 के 200 के वैसे रुआ चौबीस पहने 100 रुपये के दो चार ठीक है 100 रुपये के हैं हाँ दो चार ठीक है वैसे खाली बोल पाने लायक कौन मुझे चाहिए भैया 80 रुपए में चलो दवा ये वाली नहीं है कम से दूसरा कोई ना हुई वाटर ये वाला केवल लाल है तो कौन वाइट ले बहुत बढ़िया नहीं अच्छा करेगा हां नहीं नहीं दिया भाई नहीं कर दिया हां देखो मैंने तीन तीन का ये ले ये कल नहीं करा नहीं अब नहीं ये नहीं करता नहीं करेगा नहीं भाई ये काटा लेकिन चूहा काटे हां दूसरा ले गया चूहा ना काटे ना ऐसे तो सोती काट रहे हैं क्या सोती हैं ये नहीं ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है हाय करके सुनला था मम्मी हां लगे पसंद है बहुत ना अपना अपना हां नहीं नीला वाला सही लगा ओके जैकेट लेबो हां बस अब दूसरा ले नहीं और साड़ी कैसे होने ये 350 के और देखिए कितने के है 100 के लगे तो दोस्तों फाइनली अभी काफ़ी गांव में टहल लिया हूं और अभी चलता हूं घर की ओर क्योंकि काफ़ी दूर आ गया तो चलता हूं देखता हूं रास्ते में कुछ सेल होगा कि नहीं होगा क्योंकि 3-4 गांव है वैसे टहलते टहलते निकलूँ घर की ओर तो काफ़ी टाइम हो गया और मौसम भाई आज सही था बारिश नहीं हुआ है दोस्तों फाइनली अभी घर आ गया भाई और अभी चलता हूँ खाना वाना खाऊँगा और दोस्तों आज सेल थोड़ा डाउन था और 5-6 गाँव साथ घुमा उससे ज़्यादा भी गाना क्योंकि गाँव में थोड़ा सा पानी वानी होता था कीचड़ बहुत होता था इसलिए गाँव में पूरा टहल नहीं पा रहा था तो दोस्तों अभी जितने भी आदमी मिल रहे थे दोपहर एक टाइम में मिल रहे थे 12-1 बजे तक मिले थे और मतलब सुबह शाम में थोड़ा ज़्यादा खेतों में भी लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सेल कम हुआ और हाँ 500-700 का सेल हुआ दोस्तों और आज काफ़ी मेहनत करना पड़ा लेकिन दोस्तों बारिश नहीं हुआ अगर बारिश होता तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता लेकिन मार्केट भी मेरा छूट गया और आज फेरे का काम जो किया उसमें थोड़ा सा सेल हुआ ज़्यादा नहीं हुआ तो दोस्तों ऐसे कभी कभी होता है कभी सेल होता है कभी नहीं सेल होता है कभी अच्छा सेल होगा जो बाज़ार में अगर कंटिन्यू जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा अच्छा सेल होता लेकिन दोस्तों जब सीज़न नहीं होता जब कोई मतलब मुश्किल होता है जब कोई ज़्यादा धूप या ज़्यादा बारिश आता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है और मीडियम समय में हर हमेशा सेल होता है कपड़ा तो दोस्तों अभी आया हूँ तो अभी चलता खाना वाना खाऊँगा दोस्तों और कपड़ा फड़ा उतार के रख दिया दुकान में तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों ओके बाय।